कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है निम्मी ब्यूटी ट्रेनर में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल, हेयर केयर। अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं और आपके बाल बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं, तो आप इस होम रेमेडी को एक बार अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि फ्रेंड, आप यहाँ पे जब भी आप अपने हेयर को वॉश करते हैं, अपने बालों को टॉवल से बिल्कुल भी झटकना नहीं है। और आपको क्या करना है, जेंटली अपने बालों में, हल्के गीले बालों में आपको जो भी आप ऑयल यूज करती हैं, आप वो ऑयल हल्का सा लगा लें। इससे आपके बाल बिल्कुल मॉइस्चराइज रहेंगे, आपके बाल ड्राई नहीं होंगे और आपके बाल टूटेंगे नहीं। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप अपने बालों में बार बार हाथ ना लगाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने बालों में इस तरह से हाथ लगाते रहते हैं, इस तरह से करते रहते हैं, तो उससे जो आपके स्कैल्प होते हैं वो जल्दी ऑयल हो जाते हैं और उससे आपके बाल टूटने लगते हैं। तो आपको अपने बालों में बार बार हाथ नहीं लगाना है। और फ्रेंड, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको गीले बालों में बिल्कुल भी कोम्ब नहीं करना है। अगर आप गीले बालों में कोम्ब करती हैं तो आपके बाल ज्यादा टूटते हैं। जब बाल हल्का सा ड्राई हो जाता है, उसके बाद आप जब भी कोम्ब करती हैं, तो आपको पतली जो बिल्कुल पतली वाली जो इसमें दांते होती हैं, उससे आपको कोम्ब नहीं करना। जिसमें मोटी मोटी दांते होती है ना, उसी से आपको कोम करना है। और आपको अपने डाइट की तरफ भी ध्यान देना है। आपको एक अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, जिससे कि आपकी हेयर फॉल, आपके हेयर लॉस नहीं होगी। और फ्रेंड, यहाँ पे बढ़ते हैं हम होम रेमेडी की तरफ। आपको बताऊंगी एक ऑयल जिसे कि आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आप एक हेयर ऑयल बना सकते हैं अपने घर पे ही। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको लेना है ऑनियन, ऑनियन को कद्दूकस कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है करी पत्ता, आपको यहाँ पे लेना है करी पत्ता 5 से 6, और आपको लेना है यहाँ पे कोकोनट ऑयल। इन तीनों को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको सेकंड बॉयलर की मेथड से ही आपको बॉईल करना है, आपको डायरेक्ट बॉईल नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक छोटे से पैन में पहले पानी गर्म कर लेना है। जब पानी बिल्कुल उबलने लगे तब आपको उसमें उसे रखना है। एक कटोरी में सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले, उसके बाद उसे रख दे, और जब वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब उसे छान करके आप अपने स्कैल्प में, अपने हेयर के स्कैल्प में अच्छी तरह से लगा लें और उसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें, या फिर आप उसे सैटरडे की रात में लगा लें और संडे मॉर्निंग में आप वॉश कर लें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सैटरडे को रात में लगाएं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हम इतनी देर तक ऑयल लगा के नहीं रह सकते हैं, तो आप उस ऑयल को 1 से 2 घंटे के लिए लगा हुआ छोड़ दें। उसके बाद आप जो भी शैम्पू यूज करती हैं उससे अपने हेयर को वॉश कर लें। और मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ एक हेयर मास्क। आपको क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पे एक बनाना, बनाना को कट कर लेना है, छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेना है, और आपको उसमें मिलाना है 1 टीस्पून हनी, और आपको लेना है यहाँ पे 2 टीस्पून कर्ड। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, या फिर आप इसे मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, और उसके बाद एक अच्छा सा पेस्ट बना के इसे अपने पूरे बालों में लगा लें। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस पैक को लगाने के बाद आप शावर कैप जरूर लगाएं, नहीं तो ये आपके पूरे कपड़े को खराब कर देगा। और इसे आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दें और अपने हेयर को वॉश करें। और आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आप इस पैक को लगाने के बाद कंडीशनर को अप्लाई ना करें, आप सिर्फ शैम्पू का ही यूज करें। जो भी शैम्पू आप यूज करती हैं उस शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करें। फ्रेंड, अगर आपको ये होम रेमेडी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।